स्कॉच सेट्स के पार्ट वन में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट टू कॉच सेट्स का समर एडिशन फ्रॉम मीशो। ये वाले कॉच सेट्स भी ना आपको सच में पसंद आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। बैक टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं और सबकी चोही थी गीमा आश। और आज देखो कितना ज़्यादा बनठन के मैं बैठी हूँ, और मेरे ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं थे। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने मेकअप किया, मैंने पोनीटेल बनाया, और मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस आप देखते रहे, मैंने आपको बताया मैंने नाइट सूट्स के ऐसे सेट मंगाए हैं। मैंने एक नाइट सूट निकाला, उसका जस्ट पजामा मैंने वेयर किया, दिस प्लाजो स्टाइल पजामा, एंड मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा वाई नॉट टू स्टाइल दिस लाइक अ एक प्लाजो पैंट के साथ क्रॉप टॉप, और उसके साथ पूरा ज्वेलरीज के साथ आप एक्सेसराइज कर लो। तो मैंने ये टॉप पहना, फिर मैंने ज्वेलरी वूलरी पहनी, मुझे ये लुक इतना अच्छा लग रहा है कि वाओ, इसको आप अलग अलग तरीके से भी पहन सकते हो। और जब मैंने इसके ऊपर सिंपल कुर्ता पहना ना, तो वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कॉट सेट नाइट सूट टाइप का, लेकिन मैंने उसको ना अलग अलग करके भी आप वेयर कर सकते हो। उस कुर्ते को अलग मैं जीन्स के साथ पहनूंगी, सेम प्रिंट का ही है, तो वो और अच्छा लगेगा। और ये भी इतना अच्छा लग रहा है, मैंने मिंत्रा से लिया है, और ये मैंने डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट पर लिया है। इस ब्रांड के मेरे पास बहुत सारे नाइट सूट थे जो मैं लास्ट एक दो सालों से पहन रही थी, उनको मैंने लिटरली इतना पहना है, इतना पहना है, इतना हर रोज़ वो धो के सूखे हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, वो देखने में भी बहुत पुराने लगने लगे हैं। तो आई गेस मैं सही प्रोनंस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता उस ब्रांड का क्या प्रोनंसिएशन है। जसोरा करके एक ब्रांड है, और कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मुझे पता भी नहीं उन्हें कि कभी पता भी चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, लेकिन उनके नाइट सूट का फैब्रिक इतना बढ़िया होता है, मज़ा आ जाता है, फिट इतना अच्छा, पॉकेट वॉकेट सब कुछ होती है। तो पहले जो भी मेरे नाइट सूट्स थे वो थे पेंट स्टाइल वाले, अब जितने भी मैंने 5-6 लिए हैं गाइस, वो सारे के सारे ऐसे पजामा वाले हैं। अब आप उनको मेरी आने वाली वीडियोस में 100% वियर करता हुआ देखोगे ही देखोगे, क्योंकि वो अभी ब्रांड न्यू खुल रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे प्रिंट में कॉटन के हैं, तो ले लेना, मंगा लेना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। चलो ये तो हो गई बातें अभी की। आज की वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट ये वाली मीशो की वीडियो बनाई थी कॉच सेट वाली, ठीक है, पार्ट वन तो नहीं था ये मेरा, मैंने ऐसी ही बनाई थी। इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इतने लोगों के रिप्लाई आए कि ये हमारे विश लिस्ट में थे, ऐसा था वैसा था, बहुत अच्छी वीडियो है, काफ़ी लॉन्ग भी वो वीडियो थे। मेरी वीडियोज़ लॉन्ग होती हैं, अब वो होंगी ही, होती थी, होती हैं, अब होंगी ही, इसलिए बोलूँ कि 17 मिनट में मैं चीज़ें कवर नहीं कर सकती हूँ। अब गाइज, अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो ये मेरी वीडियो आके देखो, और नहीं तो आपके पास 2x का ऑप्शन है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 2x की स्पीड में मैं खुद देखती हूँ। अगर आपको और भी नहीं चीज़ें देखनी, तो आप डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स पर जाके प्रोडक्ट्स देख लो जो अच्छे लग रहे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। बाकी जिन लोगों को मेरी बातें पसंद है, एक एक चीज़ डिटेल में जानना पसंद है, उन लोग के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ पूरी डिटेल में वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं ये चीज़ बार बार हर वीडियो में क्लियर नहीं करना चाहूँगी, तो प्लीज़ समझ जाना। आज की वीडियो में भी मैंने 12 कॉट सेट मंगाया, और इस बार पार्ट टू बनाने का ये रीज़न था, एक तो कमेंट्स इतने सारे, रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, एंड थर्ड, जब मैं मीशो से कुछ और कैटेगरी की शॉपिंग करती थी ना, तब मैंने देखा दोबारा से मुझे कॉट सेट्स दिख रहे थे, और भी ज़्यादा सुंदर, और भी ज़्यादा स्टाइलिश मुझे कॉट सेट दिख रहे थे। तो मैंने सोचा यार, मैंने अभी कॉट सेट की वीडियो बनाई है, और ये तब मुझे आर्टिकल पीसेस क्यों नहीं दिखे, तो और इतने न्यू एकदम से ऐसे कलेक्शन लॉन्च किया और लोगों ने, तो मैंने दोबारा से वीडियो बनाया कि उसी टाइम मैंने ऑर्डर लगा दिया था। ये लाइव भी, लाइव होने के 2 दिन बाद, मतलब वीडियो लाइव होने के 2 से 3 दिन बाद मैंने ऑर्डर लगा दिया था, और फिर ये सब कुछ आ गया है मेरे पास, और देखते हैं ये कैसे के रहने वाले हैं। पिछली बार भी काफ़ी साइजेस में इशू हुआ था, अब आई डोंट नो इस बार क्या रहने वाला है, तो देखते हैं कैसे होने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहला दिखाती हूँ, उससे पहले प्राइस रेंज बता देती हूँ। जो हमारा मिनिमम है वो है सिर्फ 200 रुपये का कॉट सेट गाइस, सिर्फ 200 रुपये का, और जो हमारा मैक्सिमम है वो है हमारा 900, बाकी सारा मिनिमम है हमारा 200 और मैक्सिमम है हमारा 900, बाकी सारा का सारा आपको इसी प्राइस रेंज के बीच में मिल जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा खांगा खाका करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा गला सच में बहुत ख़राब हो रहा है, मेडिसिन चले लेकिन फिर भी ठीक पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, गर्म पानी पी रही हूँ तो भी। तो चलो देखते हैं क्या है पहला। सो गाइस, सबसे पहला कॉट सेट हमारा ब्लैक कलर का है, इसका नाम है लेटेस्ट कॉट सेट फॉर वुमेन कॉट्स नाइट सूट, आप इसको एक्टिव वेयर कैसे भी पहन सकते हो। ये 651 रुपीज़ का है, प्रिंटेड वाला है पजामा एंड टी शर्ट का सेट। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, मुझे वाइट भी अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया, मुझे लगा ये सी थ्रू ना हो, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। अब देखते हैं ये आया कैसा है, मैंने साइज़ मंगाया है, इसमें तो टैग में 1 लिखा है। ये ऐसा लुक था कि ओवर साइज टी शर्ट पे ट्राउजर्स नहीं होते वो, अब ब्लैक पे पिंक सा प्रिंट है, ब्लू सा प्रिंट है, स्लीव्स पे प्रिंट है,
मैं आपको भी दिखाती हूँ। फैब्रिक मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, आप टी शर्ट पे प्रिंट देख सकते हो कैसा प्रिंट हुआ है, क्या साइज़ आया है टी शर्ट का। वैसे तो मुझे टी शर्ट बिल्कुल ठीक लग रही है, मुझे बस थोड़ा था कि जो पिंक कलर होगा ना वो थोड़ा वाइब्रेंट होगा, लेकिन उतना वाइब्रेंट पिंक नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। एंड इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी जो होती है ना रबर की, वो भी काफ़ी सही लग रही है। इसके साथ जो आपको पेंस मिलेंगी ना, इसमें यार बहुत धागे चिपके हुए हैं यार, देख सकते हो। विदाउट पॉकेट वाले तो नहीं, विद पॉकेट्स, दोनों बोथ साइड पॉकेट्स, दोनों साइड आपको पॉकेट मिलेगी इसमें, ठीक है। आप लेंथ देख सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा ढीला ढाला चौड़ा सा है, और दोनों साइड पैंट में फ्रंट में प्रिंट हुआ हुआ है, बैक से बिल्कुल प्लेन है। ये काफ़ी स्टाइलिश है, जिम में योगा में भी पहन सकते हो अगर कम्फर्टेबल हुआ तो, या फिर जैसे नॉर्मल शॉपिंग कैजुअल घर में पहन के बैठ सकते हो। ये 650 रुपये का है, फैब्रिक बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, ऑब्वियसली ब्लैक कलर है। अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे टाइट ना आए कमर से, बाकी लेट्स सी वी आगे के दिखाती हूँ कैसा आया है और साइज़ भी चेक करके बताती हूँ। गाइस एक करेक्शन है, मैंने इसमें साइज़ मीडियम मंगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था स्मॉल लास्ट टाइम जैसा इशू ना करे टाइट टाइट वाला, तो मैंने इसमें साइज़ मीडियम मंगाया। अब चलो इसको पहन के देखते हैं मीडियम में क्या फिट आ रहा है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले यहाँ आके दिखाती हूँ आपको, मैंने साइज़ अप किया ठीक है, लेकिन स्टिल जो बॉटम की लेंथ है ना वो उतनी ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी। मतलब मैंने अपनी बेली बटन से भी ना नीचे वियर किया हुआ है, उसके बाद आप लेंथ देखो कहाँ आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे वियर करने पे यहाँ तक की लेंथ आ रही है। मेरी हाइट से जो और लंबी लड़कियाँ होंगी उनको बहुत छोटा आएगा ये, मतलब ये लंबी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब लंबी मतलब थोड़ी लंबी 5'4", 5'5", 5'6" के लिए भी ना ये बहुत छोटा आएगा, ये 5'5", 5'4", 4'9", 4'8" वाली को ठीक आएगा। आप शर्ट देख सकते हो, टी शर्ट देख सकते हो, क्या प्रिंट है, क्या स्टाइल है, ठीक है। मुझे बस ये लग रहा है कि मैंने इस बार, लास्ट टाइम मैंने स्मॉल मंगाया था तब मेरे ये रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा इस बार मैं साइज़ अप करती हूँ, क्या पता सब चीज़ें ठीक है। साइज़ अप करने के बाद भी आप पूरा देख सकते हो कि मतलब ढीला आपको मिल जाएगा, उतना बड़ा साइज़ है आपको बॉटम में, मुझे नहीं लगता है वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। पॉकेट भी बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब मेरी फिंगर जाती है बस इतनी रुक जा रही है, और प्रिंट भी कलर में अगर देखा जाए पिक्चर से कंपेयर करके तो ये पिंक बहुत लाइट पिंक है। फैब्रिक अच्छा है लेकिन अगेन ना लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना हम पैसे दे रहे हैं उस हिसाब से। स्लीव्स में भी जो इधर प्रिंट है इस मतलब जैसा है उस जो दिखाया ना उसके हिसाब से मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा, लाइक मैं पैंट से ही नहीं खुश हूँ। साइज़ अब चाहिए मेरे को तभी अच्छी लगेगी, तो सॉरी पहला ही प्रोडक्ट है लेकिन नो फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो कॉर्ड सेट है ना वो स्कर्ट और टॉप का सेट था। आप स्कर्ट में देखो कितने ज़्यादा प्रिंट और कितने ज़्यादा कलर की वैरायटी है, और ये 524 रुपीज़ का था, 530 रुपये का पड़ा है। मैंने इसमें स्मॉल साइज़ मंगाया। अब आई नो सबके पास ऐसे बेसिक सा ब्लैक टॉप तो होगा और उसके नीचे जैसे मैंने ये प्लाजो सा पहना है उसमें वो स्कर्ट है प्रिंटेड वाली। अब मुझे देखना था कि स्कर्ट कैसी आएगी, कितना फ्लेयर होगा, कैसी होगी। यस मैंने ये सेम स्कर्ट मंगाई है, प्रिंट तो बिल्कुल सेम आया है। ब्लैक जो आपको ऊपर टॉप रिसीव होगा ना गाइज वो कॉटन टाइप का टॉप है, ठीक है। आप स्लीव्स में देख सकते हो, स्लीव्स में ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ऐसे फ्रिल फ्रिल वाली डिज़ाइन है दोनों स्लीव्स में, और फ्रंट में जो रिबन लटका हुआ है वो आगे एज अ बो बंध जाएगा। आप देख सकते हो कितना क्या चौड़ाई है, और ऐसे स्लीव्स में ही बस डिज़ाइनिंग है, बाकी पहन के मैं बताऊँगी। ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है क्योंकि कैसे समझाऊँ, कॉटन टाइप का फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल तो कहाँ से ही होगा, और ये आगे ऐसे बो बन जाएगी। जैसे अभी मैंने ब्लैक टॉप पहना है तो ऑब्वियस स्ट्रेचेबल ऐसे वाले टॉप है, ये नहीं है, इसका फिट जैसा दिख रहा है ऐसा ही आएगा। अब मैं बात करूँ स्कर्ट की तो गाइस वो चलते हैं ना डिजिटल प्रिंट वाला फैब्रिक चलता है जो पीछे से बिल्कुल वाइट होता है और फ्रंट में प्रिंट हुई हुई होती हैं चीज़ें, आप देख सकते हो। ये आपको कुछ स्कर्ट रिसीव होने वाली है, ठीक है। क्या फ्लेयर रहेगा, क्या लेंथ रहेगी वो तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है और अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं लगी है, और आप देख सकते हो ये अंदर से बिल्कुल वाइट है और डिजिटल प्रिंट वाली ये स्कर्ट है, ऊपर सिंपल इलास्टिक है। अब विया करके ही देखती हूँ कि कैसा लुक लग गया है, क्या लेंथ लग रही है, तभी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाऊँगी। इसका टॉप मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट आया, आप यहाँ इस गोल्डन बैकग्राउंड पे देखो कि इसका टॉप मुझे कैसे फिट आया है। बैक से भी आप देख सकते हो, स्लीव्स आप इसकी देख सकते हो कैसी इसकी स्लीव्स है, कैसे आएंगी, और ऐसे मैंने आगे से पूरा ये नॉट बांध दिया। अब बात की जाए इसकी स्कर्ट की, तो आप इसकी स्कर्ट देख सकते हो कहाँ तक की लेंथ आएगी, क्या फ्लेयर रहेगा और कैसी लगेगी। अभी आयन नहीं हो रखी है लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ इसकी कैसी स्कर्ट है। अभी तो ये मेरे पूरी टांगों से लिटरली चिपकी जा रही है, देखो ऐसे हटा रही हूँ फिर चिपक जा रही है, और प्रिंट सेम है, फ्लेयर ठीक है,
मैं मुझे मैं समझ नहीं पा रही हूँ कुछ इस स्कर्ट को, क्योंकि मुझे लेंथ में छोटी लग रही है. और ऐसा नहीं कि मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मंगवाए मैं उसके अच्छे ही रिव्यू दूंगी भाई, मैं अच्छा नहीं है तो मैं गंदा ही उसको बोलूँगी, जिससे आपको पता चले कि वो क्या आने वाला है. तो देख सकते हो मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे पहन के बिल्कुल भी वो वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही है. इन दोनों प्रोडक्ट्स, इन दोनों के सेलर्स भी बिल्कुल सेम ही है, तभी मे बी शायद ऐसा कुछ हो. मुझे मज़ा नहीं आ रहा है स्कर्ट में, मैं सीरियसली बोलना चाहूँगी. आप पूरा फिट देख सकते हो बैक में कि लग कैसी रही है, मतलब छोटी गर्ल्स हैं उन पर स्मार्ट लगेगी. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साइज़ अप भी कर दूँगी, एल भी कर दूँगी, वो लेंथ में नहीं बड़ी होने वाली. और मेरे को जो इशू हो रहा है ना वो लेंथ से हो रहा है, फैब्रिक से नहीं हो रहा. फ्लेयर चलो थोड़ा कम है, लेकिन कोई नहीं, सही लग रही है जितना भी स्कर्ट में फ्लेयर है. लेंथ मुझे कम लग रही है, बाकी टॉप मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही. ओके इश लग रहा है, मतलब मुझे प्रोडक्ट जितना हम पैसे दे रहे हैं ना 550 रुपये के हिसाब से ओके इश प्रोडक्ट लग रहा है. वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है. बाकी कमेंट से बताना आपको स्कर्ट छोटी नहीं लग रही है क्या. मुझे तो छोटी लग रही है, मतलब मैंने फ्लैट्स वियर की हुई है उस हिसाब से मुझे छोटी लग रही है. और एक तो ये चिपके जा रही है मेरी टांगों से, जो मुझे सबसे बुरी चीज़ लग रही है. चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ. समर के हिसाब से ना वाइट कलर तो पहनने में मज़ा आ ही जाता है. मैंने पहले दो प्रोडक्ट काले दिखाए, पहन के भी काला बैठी हूँ, तो अब चलो आ जाते हैं वाइट पे. आप देख सकते हो ये कॉट सेट 370 रुपये का कॉट सेट है. अगर ये फैब्रिक सेम आया, लुक सेम आया, तो यार मज़ा आ जाएगा. घर में तो मैं इसको ज़रूर पहन के बैठूंगी, और वाइट स्नीकर के साथ पेयर करके शोल्डर क्रॉस बैग लेके कितनी मस्त लगेगा ये. गाइस लग तो ये फैब्रिक बिल्कुल सेम रहा है, पैकेट फाड़ने के तरीका थोड़ा कैजुअल है. मुझे लगता है कि मैं थोड़ी स्मार्ट हो गई हूँ अपने लास्ट ऑर्डर से, थोड़ा धोखा खा के लास्ट टाइम वाले उससे. मैंने मीडियम मंगाया, आप एक बार शर्ट देखो, क्रॉप शर्ट है ये वाइट कलर की. आप फैब्रिक देख रहे हो सेल्फ में किस तरीके का ये फैब्रिक है, और फ्रंट में पॉकेट बनी हुई है, हाफ स्लीव्स की ये शर्ट है. और इसके साथ आपको जो मिल रहा है शॉर्ट्स, ये है वो शॉर्ट्स. यार ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी, फैब्रिक भी बहुत अच्छा, जैसे दिखाया है ना एग्जैक्टली ये वैसा ही आया है. और इस शॉर्ट्स में सैड यार कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं है, लेकिन फैब्रिक बहुत स्मूथ है, लाइनिंग भी लगी हुई है, तो ये सी थ्रू तो बिल्कुल नहीं होने वाला. दिस इज़ एग्जैक्टली सेम, जैसा दिखाया है बिल्कुल वैसा ही आया है. वियर करके पूरा लुक एंड स्टाइल दिखाती हूँ. गाइस मुझे जितनी उम्मीदें थी ना इस कॉट सेट से, बिल्कुल मस्त लग रहा है. फैब्रिक इज सो नाइस, फिटिंग भी इतनी अच्छी लग रही है. पास से आप फैब्रिक में टेक्स्चर देख सकते हो, जैसा टेक्स्चर है पिक्चर में जैसा दिखाया ना एग्जैक्टली वैसा ही आया है. सो कम्फर्टेबल, बस मेरी हाथ बार बार ऐसे पॉकेट के लिए जा रहा है. इसके शॉर्ट्स में कोई पॉकेट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट. सच में मुझे ऐसा लग रहा है गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. वाइट कलर का ऐसा लग रहा है कुछ पहन ही नहीं रखा हो, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको इसको लेकर. मतलब ये ऐसी चीज़ें वो देख के तो मन करता है यार, देखने में भी सुंदर, पहनने में भी सुंदर, स्टाइलिश भी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप. नेक्स्ट जो कॉर्ड सेट है ना, वो मैंने लोकल स्टोर पे भी मिलते हुए देख लिया, बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा है. पिक्चर में देखो ऐसी शर्ट्स और पैंट होती हैं, और बस यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ हुआ होता है, कभी किसी में सीक्विन प्रिंट होगा, किसी में कुछ मोतियों वाला प्रिंट होगा. ये मुझे मीशो पे पड़ा है 325 रुपये का, और इसमें मैंने ना मीडियम साइज मंगाया है. अब लेट्स सी मीशो से कैसा आया है. वैसे मैंने ऑफलाइन स्टोर पर भी देखा था ना, तो फैब्रिक मुझे पता है कैसा था, और वहाँ पे वो कॉट सेट अच्छे खासे प्राइस के दे रहे थे, मतलब 500-450 का तो आराम से दे रहे थे, इससे ज़्यादा का ही दे रहे थे. यार ऐसा फैब्रिक तो नहीं था, ये फैब्रिक तो मुझे उससे बल्कि ज़्यादा ठीक लग रहा है, वो तो बहुत ही हार्ड फैब्रिक था. इसमें पॉकेट भी हैं, ठीक है, एक तरफ और दोनों तरफ पॉकेट हैं. फ्रंट में बस ये शो के लिए लगा हुआ है, आप देख सकते हो मैंने जो कलर मंगाया था इलास्टिक क्या है, पैंट्स की शेप बस पहन के अच्छी आए. और ये जो इसकी शर्ट होने वाली है, ये देख सकते हो आप मीडियम साइज़ में ये इसकी शर्ट होगी. और यहाँ पे जो शेर का मुंह प्रिंट हुआ हुआ है, शेर है बिल्ली, आई डोंट नो, आई गेस बिल्ली है, मैं इसको शेर कैसे बोल सकती हूँ. कैट का जो फेस बना हुआ है वो ऐसे सीक्विन वाला है, पूरा पैच ऊपर से ना स्टिच कर दिया गया है. आप देख सकते हो मैंने इसमें मीडियम साइज़ मंगाया है, और देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है. फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, स्टिचिंग अच्छी लग रही है. लुक के बारे में मैं बताती हूँ आपको, जितनी अच्छी गाइस मुझे इसकी शर्ट का फैब्रिक लग रहा है, फिटिंग लग रही है और स्टिचिंग लग रही है, उतना ही गंदा ना मुझे इसका बॉटम लग रहा है. पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मेरी बॉडी टाइप ऐसा है या मुझे बॉटम पसंद नहीं आते हैं. देख सकते हो आप क्या लग रहा है इसका लुक एंड फिट, जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसा तो मुझे नहीं लग रहा है इसका बॉटम. बाकी शर्ट आप देख सकते हो, यहाँ जो ये बिल्ली का फेस बना हुआ है कैसा लग रहा है. बैक से भी मैं आपको दिखा दूँ ये लूज़ फिट शर्ट कैसी है, स्लीव से कैसी है,
स्मूथ है, कहीं से भी चुभ नहीं रही है, स्टिचिंग बहुत सही है। बस मुझे जो इशू हो रहा है वो इसकी थोड़ी सी पैंट से हो रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी और लूज, हल्की सी लंबी होती तो परफेक्ट होती। क्या पता मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता आपको ये परफेक्ट फिट आए, और अगर हम इसको और बड़े नंबर पे जाएंगे तो और लूज़ फिट हमें आएगा। तो बस ये तो मैं सीख गई हूँ, अगली बार मैं ना सच बता रही हूँ LL साइज़ के कपड़े मंगाने वाली हूँ मैं तो। ठीक है, तो ये है रिव्यू। वैसे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इस वजह से इसको भी मैं दे देती हूँ थम्स अप। लास्ट टाइम याद है हैला आलिया मैंने किया था और उसके साथ क्या हो लिया था मेरे साथ, अब इस बार ना सेम रिएक्शन में देने वाली हूँ हैला कियारा, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला। ठीक है, ये है 640 रुपीज़ का कॉट सेट ग्रीन कलर का, और मैंने सिर्फ पिक्चर देख के मंगाया, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था मैंने हालिया वाले में किया था। अब ये 660 रुपये का कॉट सेट क्या दिखाया गया है, क्या प्रिंट है, अब देखते हैं आया कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत धोखा हो गया था, सब कुछ सही था फिटिंग ख़राब थी। इस बार भी लेट्स सी कैसा है, क्योंकि प्रिंट तो बिल्कुल सेम है, कलर बिल्कुल सेम है, फैब्रिक तो बहुत अच्छा लग रहा है, फैब्रिक तो पिछले बार का भी अच्छा था। गाइस ये मीडियम साइज़ मैंने मंगाया एंड ये मुझे अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो, आपको ना ऐसे देखने से ही पता चल जाएगा कि ये कितना ढीला ढाला पजामा है। उसका तो पजामे की शेप ही भाई साहब बहुत ही वियर्ड थी, इसमें दोनों तरफ पॉकेट हैं, बैक से भी आप देख सकते हो। मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है इसमें बहुत पतली सी इलास्टिक है, ये जो बहुत क्यूट सी लग रही है, सही लग रही है। फैब्रिक बहुत स्मूथ है, कॉटन और रेयन मिक्सचर लग रहा है मुझे फैब्रिक में। और ये है इसकी शर्ट, या शर्ट भी बहुत बड़ी ओवरसाइज्ड है और लॉन्ग भी है थोड़ा कुर्ती स्टाइल में, स्लीव्स आप देख सकते हो। दिस इज़ तो मैं कहूँगी लाइक परफेक्ट ड्यूप बनाया उन्होंने, आलिया वाले के साथ तो धोखा हो गया था लेकिन कियारा वालों ने धोखा नहीं किया यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और आपको जब देखने में इतना बड़ा सा चीज़ दिख रही है तो आपको तो समझ ही जाओगे, वो इतना फंसा हुआ सा तो नहीं आएगा, वो तो आर्म होल से ही मुझे इतना टाइट था लास्ट टाइम वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसमें मीडियम मंगाया, मुझे बहुत ज़्यादा ढीला ना आए, एम मुझे परफेक्ट आता, ऐसा हो जाता है चीज़ें। अब क्या पता मीडियम पहन के अच्छा है, वो तो मैं पहन के आपको बताती हूँ एम सही आएगा मुझे या ये मीडियम ही सही है, वेयर करके आती हूँ। थैंक गॉड कियारा ने मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं करा है जितना मुझे आलिया ने किया था। गाइस लुक एट द फिट, लुक एट द स्टाइल, फैब्रिक इज सो असम, प्रिंट इज सो नाइस, स्टिचिंग A1 है बिल्कुल, आप पूरा लुक देख सकते हो लाइक फ्रॉम बैक, जो पूरी ढीली सी ये शर्ट टाइप की है, इसकी बॉटम्स, ये इतना परफेक्ट लग रहा है ना मुझे, लाइक साइज मुझे इतना परफेक्टली फिट आया। अगेन आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी परफेक्ट है, मैंने हील वेयर की हुई है उसके साथ, आप देखो कितनी सही इसकी लेंथ आ रही है, और फैब्रिक भी इतना सुंदर लग रहा है, प्रिंट भी सुंदर, मतलब ये लग रहा है ना कुछ उसी तरीके का जैसा पिक्चर में दिखाया है। मैंने ऐसे बटन खोल के ऐसे थोड़ा सा शोल्डर पे ऐसे कॉलर डाउन करके पहना हुआ है, लूज देखो कितनी इसकी स्लीव्स हैं यार, ये बेस्ट मुझे लग रहा है, ये बेस्ट है अभी तक का कॉट सेट, ये इतना प्यारा लग रहा है, फुल कवरी, फुल स्टाइलिश, जैसा आप चाहो इसको उस तरीके से डिज़ाइन करें, उस तरीके से स्टाइल कर सकते हो किसी चीज़ के साथ, बैग और शूज़ और कैसे भी पेयर अप कर सकते हो, सो कंफर्टेबल, बेस्ट, डबल थम्स अप फॉर दिस वन। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉट सेट ये स्कर्ट और टॉप वाला है, इसमें तीन कलर के ऑप्शन है, मैंने लेवेंडर कलर मंगाया है और आप देख सकते हो 475 रुपीज़ का ही है। लेट्स सी आया कैसा है, कलर तो देखने में बिल्कुल सेम है, साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया है। अब तो सारी बात फिटिंग पे आप फिर आके रुक जाती है, मैं तो ये सोचने लगी मैं फैब्रिक एक्सप्लेन ही क्यों करती हूँ, सीधा फिटिंग की बात की जाए। गाइस फैब्रिक बहुत स्मूथ है, ये वही वाला फैब्रिक है जिसके वो पैंट्स मैंने दिखाई थी ना पिछली बार, मतलब जितनी बार भी मैंने मीशो ट्राउज़र्स दिखाए हैं वो इसी फैब्रिक के बने होते हैं, देखो सेल्फ में कुछ कुछ प्रिंट हुआ होता है, स्ट्रेचेबल होते हैं। ये है मिनी स्कर्ट, फ्रंट से आपको डिज़ाइनिंग और जो स्लिट है वो दिख जाएगी। ठीक है, मिनी स्कर्ट भी काफ़ी लॉन्ग तो लगी रही है, हाई वेस्ट तक के पहनेंगे तो सही आएगी। और ये है इसका टॉप, आप टॉप सेपरेटली भी वेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो ये क्रॉप टॉप है, थोड़ी सी यहाँ से पफी स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स का है, बैक से देख सकते हो बिल्कुल सेम लग रहा है। अब पहन के ही सब कुछ मज़ा आया, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वही पता चलेगा, वैसे देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलो पहन के आती हूँ। गाइस दिस लेवेंडर कलर आउटफिट इज सो क्यूट, एटलीस्ट जैसा पिक्चर में दिखाया ना एग्जैक्टली वैसा ही आया है, इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है,
फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, स्टिचिंग बहुत सही है, लुक भी मुझे ठीक लग रहा है। स्लीव से भी आप ये टॉप पूरा देख सकते हो, पफी स्लीव्स, क्या टॉप्स, क्या टॉप का फिट रहेगा। और ये स्कर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, जो फ्रंट कट आ रहा है, जो मैंने काफ़ी हाई वेस्टेड पहनी है तो काफ़ी सही लग रही है। बैक से भी आप देख सकते हो, मैंने अभी कोई भी टमी टक्कर, कोई भी सीमलेस वियर नहीं किया हुआ है, तो मैंने बस सिंपल से बस आपको पहन के दिखा दिया है कि कैसा लगने वाला है। बाकी आपके ऊपर, आप इसे बहुत अच्छे से स्टाइल कर ही लोगे। बस जो दिखाया है वैसा ही कुछ मिल रहा है, ये कॉट सेट, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको स्कर्ट एंड टॉप का कॉम्बो मिल रहा है। तो गाइज गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो इसके लिए है थम्स अप। इस हॉल का सबसे सस्ता जो कॉट सेट है वो मेरे हाथ लग चुका है, वो है सिर्फ 200 रुपये का। पिक्चर में देख सकते हो, 3 कलर के ऑप्शन है। मैंने ब्राउन मंगवाया है, ये चड्डा और टॉप का सेट है, टैंक टॉप का। तो 200 रुपये में क्या मिल रहा है, लेट्स सी। ओ प्रिंट तो बिल्कुल सेम है गाइज, ये टैंक टॉप है। और मुझे अभी से लग गया है कि मुझे इसकी ये आर्म होल नहीं घुसने वाले, इतने टिड्डे आर्म होल देखना, ये मुझे ऐसे चढ़ा हुआ आएगा। ओहो, मैं तो पहले ही डिसअपॉइंट हो गई हूँ। बाकी फैब्रिक इज़ नाइस, स्टिचिंग इज़ नाइस, प्रिंटिंग इज़ आल्सो नाइस, लेकिन फिनिशिंग से नहीं हुई हुई है प्रिंटिंग। आप पास से देखो, लॉस एंजल्स के अगल बगल में भी कितना वाइट 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 चिपका हुआ है, आई डोंट नो, वो धोके निकल ही जाएगा। और इसकी चड्डी की बात करें तो हम, इसका चड्डा भी मुझे बहुत छोटा लग रहा है यार, मुझे तो लग रहा है अगर दिस इज़ स्मॉल तो मुझे तो एल पे जाना चाहिए था। वैसे तो बहुत ज़्यादा खिंच रहा है ये, तो मुझे ये आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे भी यहाँ के प्रिंट सीक हो रखा है, फैब्रिक बहुत स्मूथ है, ये बहुत कंफर्टेबल होता घर में पहनने के लिए, और मैंने इसको सोच के ही मंगाया था। लेकिन ये टॉप में इन्होंने आर्म होल बहुत छोटा दे दिया है, या तो मेरा मन कर रहा है मैं खुद से यहाँ कैची से काट से ना इतना बड़ा सा ये बना लूँ कि मेरा हाथ आराम से सांस ले पाए। बाकी मैं फिर भी वियर करके देखती हूँ कि आपको तो इतना ना लग रहा हो, लेकिन 200 रुपये के हिसाब से गाइज टोटली वर्थ इट है। साइज अप करके तो पक्का ही ले लेना, घर में पहनने के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। इतना सस्ता कॉट सेट आपको, मुझे नहीं लगता मीशो के अलावा आपको कहीं भी मिलने वाला है, इवन सरोजनी में भी नहीं मिलेगा, तो इतनी ज़्यादा बुराई नहीं करनी चाहिए। चलो वियर करके आती हूँ। गाइज ये इतना बुरा है कि मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं सकती हूँ, इसकी फिटिंग बहुत गंदी है। आर्म होल वाली चीज़ तो मैंने बोली थी, शॉर्ट्स भी इतने ज़्यादा गंदे हैं, इतनी वियर्ड फिटिंग है कि मैं बोलूँगी आप अपने साइज़ से आपको तो डबल ट्रिपल साइज अप करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है बच्चों के साइज़ के कपड़े ये वुमेंस में बेच रहे हैं, इनको तो किड्स और गर्ल्स वाले छोटे सेक्शन में बेचने चाहिए। आप बिग नो फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट हमारा जो है ना राजपुरी टॉप एंड बॉटम सेट है, उसके प्रिंट राजपुरी है, पिक्चर नहीं थी तो ये आप देख सकते हो, ये शायद अभी डिसकंटिन्यू कह रही हूँ, शायद ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा इसलिए नहीं है। मैंने इसमें मीडियम साइज़ मंगाया है, ये 300 रुपये का है, मतलब 296 का मुझे पड़ा है, शर्ट और प्लाजो टाइप का सेट है। लेट्स सी, देखते हैं कैसा आया है, और क्या पता जब तक मैं वीडियो लाइव करूँ तब तक ये प्रोडक्ट हो दोबारा से स्टॉक में। वाओ यार, ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मतलब मुझे पर्सनली ना ये प्रिंट्स बहुत पसंद है, आप देख ही सकते हो जो मैं पहन के बैठी हूँ ना वो समहाउ कितना सिमिलर प्रिंट है इससे, मुझे ऐसे प्रिंट्स पर्सनली बहुत पसंद है। मेरा तो कॉटन का है लेकिन ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा जॉर्जेट भी लग रहा है मुझे, काफ़ी सही लग रहा है। देखो पीछे से देखो, इसमें एक सिंगल साइड पॉकेट है जो राइट हैंड साइड आएगी, और इसके साथ आपको ना ऊपर क्रॉप्ड शर्ट मिल रही है पेयर करने के लिए। ये शर्ट कितनी क्यूट लग रही है, इसको तो जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो, क्रॉप्ड और लूज फिट में ये शर्ट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है यार। ये 300 रुपये में कॉट सेट मिल रहा है, मुझे तो देख के ही मज़ा सा आ गया है। मीडियम साइज़ मैंने मंगाया है, अब पता है क्या लग रहा है, मीडियम साइज़ में बॉटम तो मुझे लगता है ओके आएगी, अपर बड़ा हो जाएगा कि इसका गला बहुत डीप ना हो या कुछ ना हो, शायद पहन के बताती हूँ, क्या पता ऐसा कुछ ना लगे, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है 300 रुपये में वियर करती हूँ। गाइज इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, और ये 300 रुपये का कॉट सेट है, 300 रुपये में अगर खाली शर्ट भी मिल रही होती ना तो मैं तब भी मेरा दिल कर जाता लेने का, अगर इतना सॉफ्ट फैब्रिक होता। आप देख सकते हो ये क्रॉप्ड लूज फिट टाइप की शर्ट है, प्रिंट देखो कितना सुंदर है,
यहाँ पूरी स्लीव्स वगैरह में जो भी इसकी डिजाइनिंग है वो देख सकते हो। बाकी जितने धागे धूगे जो निकल रहे हैं वो तो हम कट कर ही लेंगे, लेकिन ये जयपुरी सा प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, जो भी इसका नाम था प्रिंट का। ये 300 रुपये में कॉट सेट है, तो आप इसका एक बार पूरा लुक देखो। ये पैंट्स के साथ आ रहा है, इसमें एक सिंगल साइड पॉकेट है, पैंट की लेंथ वगैरह सब कुछ देख सकते हो। फैब्रिक इतना ज़्यादा प्यारा है कि समर में इसको पहनने में लिटरली बहुत मज़ा आएगा। पूरा लुक फिट देख सकते हो, मुझे नहीं पता था ये इतना सुंदर और प्यारा फैब्रिक होने वाला है, और इस तरीके के प्रिंट पे तो ऑलरेडी मेरा दिल आता ही आता है। और 300 रुपये में आपको कॉट सेट मिल रहा है, आप इसको अलग अलग भी पेयर कर सकते हो। शर्ट को आप किसी ब्लू जीन्स वीन्स के साथ भी पहन सकते हो, और इसको पैंट्स को भी जो है आप इसको घर में भी पहन सकते हो टैंक टॉप के साथ, मतलब बहुत कम्फर्टेबल है, लाइक ईजिली आप पहन लो बैठ लो। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये मेरे को इतनी उम्मीदें पहले नहीं थी, लेकिन पहन के मज़ा आ गया, इस वजह से मैं इसे देती हूँ थम्स अप। गाइस पिक्चर में देखो, नेक्स्ट हमारा है टू पीस सेट, कॉर्सेट लूज फिट कॉर्सेट प्रिंटेड टू पीस, इतना एक सब कुछ लिख देते हैं। ये 532 रुपीज़ का है भाई, मुझे इस स्टाइल पे कलर कॉम्बिनेशन पे दिल आ गया था, इस फिट पे दिल आ गया था। अब देखते हैं 530 रुपये में मुझे क्या मिला है, देखने में तो सेम ही लग रहा है। मैंने मीडियम साइज मंगाया था गाइज, ये है शर्ट, लूज फिट तो पूरी की पूरी लग रही है मुझे, ठीक है। स्लीव्स आप देख सकते हो, बैक से देख सकते हो, ये तो सिंपल शर्ट है, ठीक है, जैसी आई है वैसी ही, ठीक है। फैब्रिक इज़ ओके, प्रिंट इज़ ओके, अब बात की जाए पैंट्स की, प्लीज़ ढीली होना, ढीली तो लग रही है गाइस, दोनों तरफ पॉकेट है, ठीक है, और थोड़ा सा ना मुझे सी थ्रू लग रहा है, और यहाँ से बहुत धागे निकल रहे हैं, और यहाँ से बहुत गंदी हो रही है, आपको दिखे। अब ये मुझे पता नहीं है कि धो के साफ़ हो जाएगी या किस चीज़ की गंदगी, लेकिन यहाँ से ये गंदी हो रही है। जो थोड़े एक्स्ट्रा धागे धूगे निकले हैं वो तो हम निकाल के चलो काट लेंगे, लेकिन ये मुझे ठीक लग रही है जैसा पिक्चर में दिखाया है, वेल स्मार्ट लग रही है वैसे तो, फैब्रिक भी अच्छा है। पहन के देखती हूँ सी थ्रू है या नहीं है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बहुत चीप सी लग रही है, सब बताती हूँ। लुक एंड फिट वाइज तो मैं बोलूँगी कि ये तो गाइस दी बेस्ट है, बहुत सही इसकी फिटिंग है, स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जैसी पैंट्स का फिट चाहिए होती है, जितनी लॉन्ग जितनी लूज पैंट्स चाहिए होती हैं उतनी लूज पैंट्स हैं, उतनी ही लूज ये इसकी ऊपर की शर्ट है। बस एक कमी जो मुझे फील हो रही है कि जो इसकी बॉटम है ना वो बहुत ज़्यादा शेयर सी थ्रू है, तो आपको ना नीचे कुछ सीमलेस वगैरह वियर करना पड़ेगा वाइट कलर का, नहीं तो थोड़ा बहुत विजिबल होगा। तो मैंने ऐसे बिल्कुल शर्ट डाउन करके ही पहना हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है, वरना मैंने इसको बहुत अच्छे से ऐसे करके स्टाइल किया था, और आप देख सकते हो कितनी कूल लग रही है, दोनों तरफ इसमें पॉकेट है, परफेक्ट लग रही है, लूज फिट कोरियन वाला पूरा लाइक इसमें टच आ रहा है, और जो ये ऐसे थोड़ा सा इसका डिफरेंस है प्रिंट है ना लाइनों वाला, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। धागे धूगे जो निकल रहे हैं उनको आप कट वट कर दो, ये बहुत सही लग रहा है। बस क्या है आपको अंदर एक सीमलेस ही तो वियर करना है, या कोई भी शॉर्ट्स आप वियर कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, एंड बहुत स्मार्ट लग रहा है, मतलब मुझे इस पैंट की फिट में ना मज़ा ही आ गया, मतलब बहुत मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद मुझे लगता है मीशो पे ये वाली पैंट्स का फिट मिलने वाला है, तो इसको जाने तो मत देना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, थम्स अप। नेक्स्ट हमारा कॉट सेट है, बिल्कुल जैसा मैं पहन के बैठी हूँ उसी के जैसा, आप पिक्चर में देख सकते हो, 551 रुपीज़ का एक कॉट सेट है। सो देखते हैं ये कैसा आया है, इन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा नोट पे लिख के दिया, हाय गरिमा, योर स्माइल एंड रिव्यू बोथ आर इंपॉर्टेंट टू अस, प्लीज़ गिव अस रिव्यू एंड रीडिंग, थैंक यू फॉर शॉपिंग। देखते हैं कैसा आया है प्रोडक्ट, अच्छा हुआ तो मैं पक्का अच्छे रिव्यू दूंगी। गाइस टॉप की क्वालिटी ना काफ़ी मस्त लग रही है, ऐसा स्ट्रैपी सा ये टॉप है, और बस दो स्ट्रैप्स हैं, ब्लैक कलर का टैंक टॉप जैसे होते हैं ना हम जो पहनते हैं स्पेगरी टाइप का, वैसा टॉप है जैसा पिक्चर में दिखाया था। पास से देख सकते हो बहुत स्ट्रेचेबल, जिस तरीके का मैंने भी वियर किया हुआ है ना सेम वैसा सा ही ये टॉप है बिल्कुल। और इसके साथ जो पैंट्स मिली है ना, मुझे कलर में डाउट हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हो पैंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रही हैं। पॉकेट है इसमें एक साइड, और आप देख सकते हो कैसी ये है, बैक से भी आप देख सकते हो, लग तो मुझे ठीक रही है ये पैंट्स। अब पहन के लुक एंड फिट पता चलेगा, उसमें ना कुछ ऐसा वो भी था यार बांधने बूंदने वाला टाइप, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। उसने बैग ले रखा था, प्रिंट समहाउ सेम लग रहा है, उसकी लीव्स थोड़ी और ज़्यादा बड़ी थी, इसकी थोड़ी छोटी लीव्स हैं, टॉप बिल्कुल सेम है, वियर करके देखते हैं कि सेम लग रहा है या नहीं लग रहा है 550-550 रुपये के हिसाब से। चलो वियर करके आती हूँ, एंड अगेन मैं बता देती हूँ मैंने साइज़ एम मंगवाया है। लास्ट टाइम की वीडियो में ना मुझे सब ने बोल दिया था कमेंट करके कि आप साइज़ अप करना, मैंने खुद सबको बोला था कि साइज़ अप करना, तो मैंने इस वीडियो में खुद ही साइज़ अप करके सब कुछ मोस्टली एम में ही मंगाया है,
चलो वेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट पीस है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये फिट मिलने वाला है। टॉप इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना मुझे, जो भी इसकी पूरी नेक लाइनिंग आ रही है, स्ट्रैप्स वाला टॉप है। फिट आप देख सकते हो कितना परफेक्ट मुझे पैंट के फिट आई है। लेंथ देखो, पॉकेट देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा दिखाया है ना पिक्चर में वैसा ही लग रहा है। बैक से भी आप देख सकते हो, वाओ, मुझे नहीं लग रहा था ये ऐसा फिट आएगा। मतलब जिन्होंने भी मुझे कहा कि हमें रिव्यू देना, रेटिंग देना, उनको कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट भेजा है। गाइस, अगर आपको कुछ ऐसा लुक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनसे मैंने मंगवाया आपको उन्हीं का लिंक मिलेगा, तो जाके परचेज ज़रूर कर लेना क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। टॉप आप पास से भी देख सकते हो, ऐसे ना हल्का सा जो ऐसे ये लुक आएगा। स्ट्रैप्स थोड़े लूज़ हैं, वो टाइट में करवा लूँगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाओ, कुछ तो मुझे बहुत ही पसंद आया है, उसमें से एक ये भी है, इसके लिए भी थम्स अप। ये वाला गॉड सेट मुझे बिल्कुल नाइट सूट जैसा लग रहा था, मैंने ना उसी को दिमाग में रख के मंगाया था। ये 530 रुपये का, मतलब 540 रुपये का मुझे पड़ा है। लेट्स सी ये कैसा आया है। उसमें ना बहुत ढीला सा पजामा, फ्लावर फ्लावर प्रिंट हुआ हुआ था। देखने में तो ये बिल्कुल सेम है। मैं आपको साइज़ और बता देती हूँ, मैंने साइज़ एम ही मंगाया है। इसमें भी काफ़ी नायलॉन पॉलिएस्टर जैसा कपड़ा क्यों लग रहा है मुझे इसका। सॉफ्ट तो है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये मुझे ना बहुत फीके लग रहे हैं इसके कलर। फैब्रिक मुझे उतना छूने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी लगेगी इस फैब्रिक में। शर्ट है ये काफ़ी लूज फिट, और आप बैक से भी देख सकते हो। वैसे तो अगर नाइट सूट में पहन के काफ़ी अच्छा लगा तो बाकी बात पता नहीं। पैंट्स आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लूज, ढीली ढाली, इलास्टिक वाली, बोथ साइड पॉकेट, और सेम प्रिंट की पैंट्स हैं। बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं लग रहा है मटीरियल। चलो देखते हैं, बस मुझे ये इशू है कि पहन के बॉडी सॉफ्ट तो लगेगा, गर्मी ना लगे। और आप देख सकते हो पीछे से बिल्कुल प्लेन है, इधर ही प्रिंट हुआ हुआ है। कलर थोड़े से फीके ही है ही इन एक्चुअल, अगर मैं पिक्चर से कंपेयर करूँ तो। और बाकी वेयर करके बताती हूँ। गाइस, मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतना प्यारा लगने वाला है। ओ माय गॉड, इसकी पैंट्स की फिटिंग, लुक, स्टाइल इतना मस्त आ रहा है ना, मतलब जैसा मैं ढूंढती हूँ फिट वो है इसमें। पॉकेट की लेंथ इतनी परफेक्ट है। पैंट्स देखो कितनी हील में, कितनी लंबी और कितनी अच्छी पैंट्स की फिटिंग आ रही है, और कितना कूल लग रहा है ये मुझे। प्रिंट आई नो हल्का सा फीका है, लेकिन अब तो मुझे चलेगा क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा है। पूरी शर्ट देख सकते हो क्या स्टाइल है, स्लीव्स कितनी ढीली है, यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाएगी। थोड़ा सा नाइट सूट वाला लुक दे रहा है, लेकिन वो तो आपके ऊपर, आप इसको जिस हिसाब से स्टाइल करोगे, कैरी करोगे खुद को, तो ये नहीं लगेगा। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। मैंने ना पहले सोच लिया था कि बड़ा बेकार सा होगा, फैब्रिक गंदा है। फैब्रिक इतना स्मूद है, इतना ठंडा है कि मुझे कहीं से कहीं तक इसमें कोई भी कमी नहीं लग रही है यार। आप जो खुद पहनोगे ना इसको, आप भी बोलोगे यार सच में है तो मस्त चीज़, फिटिंग तो एक नंबर है। वाओ, अगर सारी पैंट्स ऐसी आती ना, देखो ज़रा इतनी लूज, ऐसी स्ट्रेट, ये फिटिंग की सारी पैंट्स होती सारे कॉर्ड सेट्स की, तो मैं तो आपको सारे के सारे कॉर्ड सेट रिकमेंड करती कि भाई ले लो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए तो मैं इसको दूंगी डबल थम्स अप। एज ऑल का लास्ट पीस जो मुझे ना सबसे बेहतरीन, सबसे अलग, जिसको देख के मुझे लग रहा था कि यार नई नई चीज़ें आ गई हैं क्या कॉर्ड सेट में, तो मुझे मंगानी चाहिए। 900 रुपये का सबसे महंगा, आप पिक्चर में देखो, ये मुझे इतना सही लग रहा था ना। इसकी पैंट्स का स्टाइल देखो, ये क्रॉप टी शर्ट, कलर देखो। अब मैंने इसको मंगाया है एम साइज़ में, लेट्स सी कैसा आया है। लाइक मुझे ना अलग फोबिया हो गया था कि स्मॉल छोटा ना लगे, छोटा ना रहे, एम मंगा लेती हूँ बड़ा ही रहेगा। अब ऐसा ना है, और कितना मस्त लग रहा है इसका फैब्रिक, बहुत सही लग रहा है। बिल्कुल 90s वाली पैंट्स लग रही हैं, बिल्कुल रेट्रो स्टाइल वाला, देख सकते हो। ये पोलका डॉट्स तो वैसे भी रेट्रो स्टाइल वाली फील दे देता है। और साइड में इसमें कोई भी पॉकेट नहीं है, फ्रंट ओपन वाला डिज़ाइन है। बैक से आप देख सकते हो, कलर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ग्रीन है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, देख सकते हो अंदर से कैसा फैब्रिक है। बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, और ये मुझे बहुत सही लग रहा है यार। 900 रुपये के हिसाब से सबसे महंगा और काफ़ी कूल यार। मुझे स्मॉल मंगा लेना चाहिए था, क्योंकि स्मॉल इसमें पता है क्या लिखा है, M/L, मतलब ये M वालों को भी आ जाएगा, L वालों को भी आ जाएगा। अगर मैं स्मॉल मंगाती तो उसमें लिखा होता small/M, तो दोनों को आ जाता। अब आई डोंट नो, मुझे काफ़ी ज़्यादा ढिल्लू ढुल्लू ना आए, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी लंबा लग रहा है ना। लड़की ने बहुत क्रॉप पहना हुआ था, देखो इसकी स्लीव्स, इसकी डिज़ाइनिंग जर्सी जैसी डिज़ाइनिंग है थोड़ी। बैक से आप देखो,
फैब्रिक बहुत सही लग रहा है, लड़की का प्रिंट, चेहरा मोटू बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। यार फटाफट से व्यूअर करके आते हैं फिर बताते हैं कैसा लग रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये इतना वाहियात लग रहा है ना कि मतलब इसकी पैंट्स को पहन के तो मैं अलग ही फ्रॉक डांस कर लूँ, ऐसा ऐसा जंप मार के। कितना गंदा लग रहा है ये, मतलब मैंने 900 रुपये के नाले में फेंके हैं क्या? मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं, मतलब ये क्या पजामा है, ये फिटिंग क्या है इस पजामे की? मतलब मैंने अभी हील पहने ना, मैंने इसके नीचे क्रॉक्स पहने थे, मैं तो सच में इतना मोटे पैरों वाला मेंढक लग रही थी। अब आप देखो, अब मैं इसको कितना बिल्कुल कहाँ पहनूँ, नीचे पहनूँ, इतना इतना गंदा ऐसे पी, क्या है ये? छी, मतलब क्या दिखाया था उसका, 10% भी नहीं है यार। मतलब टी शर्ट से तो मैं चलो बात ही नहीं करी, उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा लूज फिट, ये लड़की बनी हुई है। मज़ा तो ऐसे पैंट से आ रहा था ना, वो ऐसे क्योंकि खड़ा होना था मुझे भी यार बैग बुक पकड़ के। ये क्या है ये, हरा मंडक लग रही हूँ। 900 रुपये बिल्कुल भी बर्बाद मत कर लेना, स्मॉल मंगाया था तो क्या ही आता, मीडियम में ये आ रहा है, बहुत ही बुरा है यार, बहुत ही बुरा। छी छी, बिल्कुल मत लेना, बिग नो। सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे आज के प्यारे प्यारे से 12 कॉट सेट्स फ्रॉम मीशो, और समर एडिशन में मैंने इनको पूरा ऐसे फिट किया है। आई होप आपको मेरे आज के आउटफिट चॉइसेस, डिज़ाइनिंग सब कुछ अच्छे लगे होंगे। इसमें से कुछ आपने पक्का विशलिस्ट किया होगा या आपने मीशो पर ये देखे ही होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरा आज का हॉल कैसा लगा, और मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली कि नहीं मिली, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या साइज़ होना है, क्या फिट होना है, मैंने सब कुछ पूरी डिटेल से बताया जैसा कि मैं हमेशा इसे बताती हूँ। तो प्लीज़ इस डिटेल और इस बताने के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो जाके मेरी वीडियो पे लाइक कर देना, भर भर के कमेंट कर देना और बता देना आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान किया, बाकी आपके कमेंट्स से पढ़ पढ़ के मैं अपनी आगे की वीडियोज़ भी प्लान करती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहिए। मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबकी गीमाशी, आप सबका प्यार, ढेर सारा प्यार बटोरने के लिए। तो चलो गाइस, जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन, बाय बाय, आई लव यू।